Hello and assalamu alaikum, this is your host Zohaib from Trulylost. Aaj ki video, I was thinking about making a funny video, but in the light of recent events, that is about Mera Jism Meri Marzi, I wanted to say something. That is because main social media pe subah se ajeeb ajeeb baatein dekh raha hu, so I want to give you my opinion. Okay, my opinion. And you have the right to differ, you have the right to agree. आपको अच्छा लगे लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें जो भी आपके व्यूज़ हैं. एंड आई वुड बी ऑब्लाइज्ड टू नो अगर आप अग्री या डिसअग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से, या अपना ओपिनियन अगर देना चाहते हैं. सी नाउ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अग्रीड, टोटली अग्रीड, देयर इज नथिंग टू डिफर विद दैट पॉइंट. और मैं मारवी सरमद ने जिसने भी ये कहा है, मैं आई एम अग्रीड विद दैट, नथिंग विद दैट. Now what Khalilur Rahman was also saying was a beautiful point. जो वो कह रहे थे was a very beautiful point और बहुत अच्छी बात कर रहे थे. But what he said, the words that he used after that, के ओ बिच शट अप एंड आपके जिस्म में ऐसा क्या है, थूकते नहीं हैं वैसे जिस्म पे, that was what I condemn and say that is very wrong. उसके लिए उसको बैन कर देना चाहिए, ऐसी सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए. अग्रीड, टोटली अग्रीड. अब बट इससे फायदा किसको हो रहा है? सी, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करते हैं कि खलीलुर रहमान को बैन करो, मायरा खान स्पीक्स अबाउट खलीलुर रहमान के ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, वहां से दो तीन एक्टर और बोल देते हैं, वहां से चार न्यूज चैनल वाले उसको बुला लेते हैं, वहां से हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉगर्स आर राइटिंग दैट, वहां से अजीब अजीब आम लोग भी वहां से शेयर कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? क्या आपको लगता है कि वाकई ये बंदा बैन हो जाएगा और इसके आगे मैं कुछ नहीं देखूंगी, या इसकी बेइज्जती हो रही है, आपसे टॉन्ट कर रहे हो, ये सही हो जाएगा, ये बुरी बातें छोड़ देगा, अच्छी बातें करेगा, लोग इसको मतलब मजाक, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सोशल मीडिया पे वो चीज़ ऊपर नहीं आती जो सही होती है या जो बेस्ट होती है, वो चीज़ ऊपर आती है जो ज़्यादा देखी जाती है. सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, फॉर व्हाटएवर ही डिड, डज खलीलुर रहमान डिजर्व टू बी trending? Does he deserve to get all that fame? Does he deserve to get all that publicity? Does he deserve to know, to be known by people who didn't know him before? ऐसा ही होता है. कहाँ गया मोहसिन अब्बास हैदर? कहाँ, क्या हुआ अली जफर के केस का, क्या हुआ? What रवि पीरजादा का क्या हुआ? शामीर अब्बास का क्या हुआ? देयर सोशल मीडिया को समझना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल मीडिया पे आप वो नहीं देखते जो आप चाहते हो, आप वो देखते हो हु somebody is sitting behind there and आपको वो दिखाना चाह रहे हैं. सोशल मीडिया पे कभी भी सच नहीं होता, वो होता है जो आपको लोग दिखाना चाह रहे हैं. नेगेटिविटी कैन बी सोल्ड. अगर न्यूज़पेपर में सिर्फ अच्छी बातें हों, अगर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हों, जो जो अच्छा हो रहा है वो बताएं, तो आप न्यूज़ देखना ही बंद कर देंगे, न्यूज़पेपर खरीदना ही बंद कर देंगे. सो खुदा का वास्ता है, स्टॉप दिस बॉयकॉट खलीलुर रहमान एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आपका उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उसका फायदा हो रहा है. दैट इज वाई आई एम सेइंग, उसका फायदा हो रहा है. अब वो आर्ग्यूमेंट मैंने सुनी थी और लिटरली आई मे बी साउंडिंग फेमिनिस्ट और वट एवर, और इक्वल सही है, इक्वल से भी आप इक्वल रखो या नीचे रखो जो भी है, बट मुझे अगर कोई लड़की विल से दैट आई एम अ डॉग, I am not going to reply her and say you are a bitch. That is my opinion. आपको dislike करनी है video, नीचे comment करना है, अपना opinion देना है, वो आपकी मर्जी है, but I would not say if a girl says me that you are a dog, I will not reply you are a bitch. Because that goes against my, you know, faith and जो भी है. So, and I just saw a story, somebody was saying what, क्या था? इट टेक्स क्या कहते हैं, पावर टू कॉल अ बिच अ बिच. अब हमारी सोसाइटी में ऐसी मैंटेलिटी के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. देखो दोनों साइड पीपल डू एग्जिस्ट लाइक दिस, ये बात हमेशा याद रखना कि दोनों साइड पे पीपल डू एग्जिस्ट लाइक दिस. कुछ गलतियां औरतों में, कुछ गलतियां मर्दों में, नोबडी इज परफेक्ट, बट दैट डज नॉट डिफाइन द होल वुमेन एंड द होल मैन. सो खुदारा ये सोशल मीडिया पे फाइट बंद करें कि कोई वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई मैन को सपोर्ट क्या कर रहे हो यार, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर हेयर फॉर अ स्पेशल पर्पस, और कुछ आदाब हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं,
अगर खलील रहमान की बात में उसने टोका, सो ही शुड हैव सेड दैट आप नहीं टोके, प्लीज मुझे बात करने दे. ही वुड हैव अगेन सेड नेवर नेवर. ही वुड सेड नहीं आप मुझे बात करने दे, अगेन नेवर नेवर, नहीं आप मुझे बात करने दे, बस शो खत्म. इसको इतना बिच और ये आपकी थूकते भी नहीं, ये क्या मसला है ये? और ये होता है इसलिए क्योंकि मेल ईगो इज वेरी फ्रेजाइल, और अगर आप वहां पे कोई ऐसी उसको बीच में टोकोगे या जो भी बात करोगे तो मेल ईगो हर्ट होता है और वो फिर बाद में कंट्रोल में नहीं रहता. दैट इज ऑल राइट, बट उसको इतना वो करना. और आपको अगर ये लग रहा है कि खलील रहमान का करियर तबाह बर्बाद कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. उसको फायदा होने वाला है और उसको आगे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत फायदा होगा और उसकी जो वो करियर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. मोहसिन अब्बास हैदर को अगर मजाक रात से निकाल दिया तो वो बेरोजगार नहीं बैठा, ये बात एक बार कंसिडर करना. एंड इन द एंड आई स्टिल वॉन्ट टू से दिस इज माई ओपिनियन, मैं किसी भी फोर्स नहीं कर रहा. अच्छा लगे तो शेयर करो, बिकॉज पीपल डू हैव टू नो दैट सोशल मीडिया पे कभी सही नहीं दिखता, वो दिखता है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है. तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो. और अपना ओपिनियन शेयर करना है तो नीचे कमेंट का ऑप्शन है. एंड रेगुलर वीडियो अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, वो कॉमेडी वाली बनानी थी, बट यू नो दिस आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस, यू नो दिस कैन नॉट गो लाइक दिस. तो बट स्टिल चिल कूल काम एंड रिलैक्स. This is your host Zohaib signing off from Trulylost.